गोंडा पांडे विकासखंड की ग्राम पंचायत नरखेड़ा में बीते दिनों हुई बरसात से विधवा महिला के कच्चे मकान की छत मंगलवार की रात लगभग 12 बजे भरभर आकर गिर गई। मकान के अंदर सो रहे परिवार के 5 सदस्य मलबे के अंदर दब गए। दबे हुए परिवार के सदस्यों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के मोहल्लेवासी अनहोनी की आशंका जताते हुए मौके पर पहुंचे। पास जाकर देखा तो कच्चे मकान के मलबे में दबे हुए परिवार के लोगों को काफी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया। मलबे के अंदर दबने से परिवार के सदस्य तारमीन पत्नी इरफान, बेटा कुरमान अली, मेहरबान रिहान और बेटी बप्पो दबकर घायल हो गई। घायलों को ग्रामीणों की मदद से रात के समय में ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। ग्रामवासियों ने बताया कि तारमीन के पति इरफान की करणपुर मार्ग पर 5 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। उसके बाद से विधवा महिला तारमीन का परिवार मुसीबतों को झेलता चला आ रहा है। विधवा महिला के छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे, किसी बीच उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ बनकर कच्चे मकान की छत गिर पड़ी, जिससे घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन सब दब गए। पीड़ित ने बताया कि मैंने विकासखंड अधिकारियों से कई बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर चुकी हूँ, मगर ब्लॉक स्तर पर किसी भी अधिकारी ने मेरे कच्चे मकान की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आज मेरे परिवार के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसको कौन जिम्मेदार ठहराता। मेरी जिला प्रशासन से अपील है कि ब्लॉक में बैठे अधिकारियों पर भी इस तरह की घटना होने पर उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिससे इस तरह की लापरवाही होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। क्या हादसा हुआ? आप कितने लोगों को चोट लगे? 3 भाई। क्या क्या नाम है उनके? कुरबान अली, मैं, मेहरबान छोटा, सबसे छोटा रिहान। अच्छा, कहाँ सो रहे थे आप? अंदर भीतर बरामदे। किस टाइम की घटना है? 12:30 बजे रात की, अचानक। कच्चा मकान है? पापा यहाँ पे? पापा हमारे 5 साल हो चुके हैं। कौन से गांव में रहते हो आप? नरखेड़ा। इससे पहले कभी मांग करिए मकान की आप? बिजली प्रधानी में गिरा था तो जता दिया था कि मिलेगी कॉलोनी, फिर ऐसे ही टाल दिया था। अब मांग की है आपने? हाँ, मांगने तो मिली जाएगी। तारमीन, रात क्या हादसा हुआ? कौन से गांव के रहने वाले हो आप? नरखेड़ा। क्या हुआ रात? बरामदा गिर गया हमारा। कच्चा था जी। बेटे दब गए तीनों जी। बड़े का कुरान नाम है, उसके पैर में जी काफी चोट आई है, और दूसरे का रिहान मेहरबान, उसके सिर फट गया। चल भाई, दूसरे का रिहान, उसके घुमाई है बहुत, और बब्बो के बहुत आई है, और काफी नुकसान हो गया, खाटा टूट गई। आप बरामदे में सो रहे थे, बाहर सो रहे थे? बरामदे में सो रहे थे। हाँ। अच्छा, कभी कॉलोनी के लिए आपने ग्राम प्रधान से मांग करी है? पिछली बार कही थी हमने, तो कह दी है मिलेगी। फिर कुछ भी बोल अच्छा, ना पारी उन्होंने। सरकारी तरफ से कोई सुविधा मिली आज तक? कुछ नहीं मिला, रुपया भी है आपके? विधवा पेंशन है? वो भी नहीं है? आप क्या चाहते हो? मदद चाहते हैं, खर्चा।